नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत। पेश है अब तक की सुर्खियां। प्रवासी भारतीय दिवस के ठीक पहले मंगलवार को राष्ट्रपति ने नागरिकता अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसमें भारतीय मूल के लोग और विदेशों में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिकता की PIO और OCI योजना का विलय कर एक किए जाने का प्रावधान है। गुजरात के गांधीनगर में 13वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सम्मेलन के मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगे। समारोह में गुयाना के राष्ट्रपति डॉलेन रामतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में करीब 60 देशों से भारतीय मूल के लोग शामिल होंगे। इस सम्मेलन का विषय अपना भारत अपना गौरव रखा गया है। कोयला श्रमिकों की हड़ताल से 75% कोयला उत्पादन ठप हो गया है। कोयला उद्योग के करीब 5 लाख कर्मचारी मंगलवार से 5 दिन की हड़ताल पर हैं। इससे बिजली संयंत्रों को कोयले आपूर्ति पर भी असर पड़ने की आशंका है। हड़ताल को खत्म करने के लिए सरकारी अधिकारियों और श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों के बीच दिल्ली में देर रात हुई बातचीत विफल हो गई। दिल्ली पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने बताया कि सुनंदा पुष्कर की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या हुई है। शशि थरूर ने हत्या का केस दर्ज किए जाने पर हैरानी जताई है और दिल्ली पुलिस को जाँच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। पाकिस्तान द्वारा जारी सीज फायर उल्लंघन मंगलवार को भी जारी रहा। कठुआ और सांबा में सीमा पार से गोलाबारी जारी रही। स्थिति का जायजा लेने के लिए BSF प्रमुख DK पाठक ने सीमा का दौरा किया। जीरो लाइन के गांव वालों को अपना घर बार छोड़कर बंकरों और कैंपों में शरण लेनी पड़ी है। फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।